होमाथॉन ये थर्ड प्रॉपर्टी एक्सपो है जो नेरड़को ने यहाँ पर अरेंज किया है सारे पब्लिक के लिए। जो जो अपना मकान देखना चाहते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर सारे डेवलपर की प्रॉपर्टी देख सकती है, कंपेयर कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से अपना सपनों का घर चूज कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है, और उससे भी सबसे बढ़िया अगर इस टाइम का प्रदर्शन में हमने बाम्बू के से बने हुए सारे चीज़ों का स्टॉल लगवाया है यहाँ पर। बाम्बू का महत्व यहाँ पर इसीलिए है कि एक इंसान को 280 किलो ऑक्सीजन लगता है साल भर में, और एक बाम्बू ट्री है वो 320 किलो ऑक्सीजन देता है। आज अगर आप देखो तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सारे लोग बोलते हैं, टेम्परेचर आज 48 से 50 डिग्री भारत के काफ़ी शहरों में हो गया है। अगर इस वक्त अगर हम नहीं जागेंगे, आप अपने बच्चों को सोने जावरात या प्रॉपर्टी या बाकी कुछ भी बैंक बैलेंस दोगे, शेयर्स दोगे, उसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक दफे टेम्परेचर 50-55 के बाद जाएगा तो उसमें मुझे नहीं लगता है कोई इंसान यहाँ पर रह पाएगा। तो इट इज़ हाई टाइम वी ऑल शुड वेक अप, और जो अपने प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं स्वच्छ भारत बोलो या क्लीनर और ग्रीनर एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए, यही सही मौका है। सर एक चीज़ ये भी है, रीडेवलपमेंट की बात जो हो रही है, जो लोग रीडेवलपमेंट कराना चाहते हैं सोसाइटी, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, खास करके यहाँ कोई ऐसे है प्लेटफॉर्म है जहाँ उनकी क्यूरी को सुने, ऐसा कुछ है यहाँ बता ये तो? ये इसमें अभी अगर आपने सुना होगा तो जो फाउंडर रेरा चेयरमैन थे गौतम चटर्जी सर, उन्होंने इस समस्या का हल ढूंढा हुआ है, और इन्होंने GRSF करके एक संस्था खोली है। तो उस संस्था का एक दो महीने के अंदर सारा पोर्टल भी तैयार हो जाएगा, तो पोर्टल पे जो जो सोसाइटी उनको जो डाउट्स हैं, उनके जो मन में शंका है, सवाल है, वो सारे पूछ सकते और उसका निवारण कर सकते हैं।